हेलो अस्सलाम वालेकुम नमस्ते सत श्री अकाल अ वेरी गुड आफ्टरनून। तो टाइम हो रहा है 2:30 और ये अभी हापुड़ से आए हैं मुझे लेने के लिए और पीछे है आशु भैया भी और आज मुझे लेट भी हो गया है क्लिनिक से निकलने में। फिर मैंने बोला जब ऑलरेडी 2:30 तो एक छोटा सा 2-4 मेरे बहुत इम्पोर्टेंट काम है जो इनके बिजीनेस होने की वजह से और मेरे भी टाइम के वजह से हम कर नहीं पा रहे हैं। तो अब हम जा रहे हैं तुराब नगर की तरफ, मुझे थोड़ा सा काम है, कुछ सामान लेना है अर्जेंट, तो थोड़ा बहुत लेंगे क्योंकि रोज़ा है तो थकान भी है, धूप बहुत तेज है, तो थोड़ा थोड़ा काम करेंगे। और डॉक्टर साहब आजकल बहुत थक जाते हैं पर ऑप्शन जो है कुछ है नहीं, कोई बात नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, चलता रहता बढ़िया। यस तो चले मिलते हैं और देखते हैं आज हम क्या लेते हैं, स्टे ट्यून्ड फ्रेंड्स। अब हम तो रामनगर से चल दिए हैं, बहुत लेट हो चुका है, सिर्फ बच्चों की थोड़ी सी शॉपिंग करी, कुछ छुटपुट सी शॉपिंग करी है और अपने कपड़े मैंने नहीं लिए जिसपे डॉक्टर साहब थोड़े नाराज भी हो रहे हैं। बस नहीं हो रहा था, दिल नहीं चाह रहा था, थकान लग रही थी और ये खुद भी थक गए हैं। बच्चों की ईद के कपड़े ले लिए गए हैं और हमने घर के लिए जो है स्पून्स ली हैं और मैंने जो सामान लिया है वो हम दिखा भी देंगे, जरूरी नहीं है सारा बताना। नहीं हम सब बता देते हैं, पहले बता देते ताकि आप तैयार रहें। मेरे सूट के लिए क्या कह रहे थे? सूट के लिए मैं 100 बार कह दिया सूट ले लो ले लो ले लो, ले नहीं लेना ही नहीं है। ले लेंगे ले लेंगे, आप क्या लेंगे, स्टिचिंग होगा? एक्चुअली स्टिचिंग हो जाएगा, मेरी बुटीक वाली कर देती है वो। एक्चुअली डॉक्टर साहब को था मैं संडे नहीं आऊंगा, फिर ऐसे देख लो। मैं बिल्कुल भी नहीं आऊंगा, मैंने ऐसे आऊंगा, मैं थका हूं, मैं निकलूंगा ही नहीं मार्केट के लिए। अब मैंने कहा था रमजान से स्टार्टिंग करा था, एक दिन सेलेक्ट कर लेना, उस दिन ले आकर पूरी शॉपिंग करा दूंगा। नहीं मैं रोज नहीं आऊंगा, हर बार यही होता है, हम एक दिन कपड़े लेके आओ फिर दूसरे चेंज करने जाओ फिर छोटा करके आओ फिर उसको बड़ा करके आओ फिर कलर करा के आओ, मैं इसी में थक जाता हूँ। मुझे डाई भी कराना था, मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, अपने आप जाना। ठीक है धूप में चले जाएंगे, चले जाना, ऑटो पकड़ के चले जाएंगे। अब यही तो सुनना बाकी रह गया। नहीं पापा भी चलेंगे, पापा भी चलेंगे, पापा भी चलेंगे, चले फ्रेंड्स घर पे मिलते हैं। कर रहे हैं यहाँ फिट अपने लिफ्ट का, आने वाली है, आएगी नहीं, आ गई है, आ गई है, आने वाली है। अस्सलामु अलैकुम, शाम का वक्त, घड़ी आ गई, ये रही बैक कैमरे से दिखाऊंगी, 6 बजने वाले हैं। किचन में कोई काम स्टार्ट नहीं हुआ है, आज कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या बनाया जाए क्योंकि आज मैं मूड में ही नहीं थी कुछ बनाने के। तो आइडिया ये आया है कि मेरे पास चने थोड़े बहुत बॉईल हुए हैं, तो अगेन कुछ बनाते हैं, कुछ खाते हैं। आज ये दुपट्टा कैसे हो रहा है, यस आज मैंने, क्योंकि मेरी हाउस हेल्प ने ना मेरे ग्लासेस बड़े खराब किए हैं, आज मैंने नए वाले ग्लास निकाले हैं, वॉश करा दिए हैं, इन्हें मैं रखूंगी। ये देखिए क्लिनिक से मैं आई तो मैं नहीं कर पाई, इन बर्तनों को नहीं हटा पाई, बर्तनों को अभी मैंने नहीं हटाया, ये सारे नए ग्लासेस हैं जिसपे से ये भी नहीं हटा है, ये मैं करूंगी, वॉश हो गए हैं। और कुछ तुराब नगर से सामान आया वो जस का तस अभी यहाँ पड़ा है, चलें बनाते हैं कुछ और मिलते हैं आपसे आज की रेसिपी। तो एक चीज बन गई है, सोचते सोचते दिमाग लड़ाया तो अब ये हुआ कि आयान के लिए क्या बनाया जाए, तो उनके लिए बन जाएगा अब फ्रेंच फ्राइज। उसकी प्रिपरेशन ये देखें, इसको ऐसे ऐसे कट करें, सबको पता होगा पर फिर भी ये रेसिपी है तो मुझे बताना ही है। इस टाइप से कट करें फ्रेंच फ्राइज को, कटर निकला तो फ्रेंच फ्राइज कट जाएगा। यस मुझे आपने आके रख दिया। यस डॉक्टर साहब कुछ कराते नहीं है बिल्कुल भी, राय देने में हम आ गए, बस राय देते हैं ये फ्रेंड्स, ये पीछे से खड़े होके राय दे रहे हैं
और इनको कराने में 0/0 है ये। बड़ा भारी काम है, राय देना मजाक कर रहे। राय देना इनके लिए बड़ा भारी काम है, मुझसे ले लें। मोदी जी चाहें तो वो भी ले सकते हैं, कोई भी ले ले, तो राय दे, राय राय मुझसे ले लें। काम कुछ करना नहीं है इन भाई साहब को। मैं काम कर रहा हूं, यहां बना रहा हूं। तो ये फ्रेंच फ्राइज की मैंने फ्राइज कट कर लिए हैं। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट जो मुझे ध्यान नहीं आ रहा मैंने कहाँ रखा है, अभी देखते हैं। तो इसमें कॉर्नफ्लावर, डॉक्टर साहब के बोलने से ना मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ, अदरवाइज मेरे को अपना सारा पता होता है क्या क्या करना है। इसको अच्छे से कोट कर देंगे हर एक फ्राइज के ऊपर। वही तो कर रहे हैं, डाइनिंग में पे खड़े हैं, अपना कुछ काम कर रहे हैं वहां से। वही तो। फ्राइज की तैयारी, यहाँ चढ़ा दिया है मैंने आज बेसन का हलवा। आज की रेसिपी बेसन का हलवा और फ्राइज। हाँ नहीं, मुझे एक बार उसको वॉश करना है, उसके चेयर के उस पर रख दीजिए। तो ये बन रहा है, इधर इसकी भुनाई हो रही है, इधर इसकी फ्राई की तैयारी हो रही है। करती हूँ फिर आपसे, वैसे मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इतने अच्छे कोट कर दिए हैं मैंने, देखिए। दोनों हाथों को बराबर से यूज करते हुए ये फ्राई हो रहे हैं, अयान के फ्रेंच फ्राइज बन रहे हैं। यहाँ बेसन की भुनाई चल रही है, सो मच वर्क। और एज यूजुअल डॉग साहब इधर से उधर, उधर से उधर, इधर से उधर, उधर से उधर, लगातार काम में है वो। इधर से उधर चलना एक बहुत बड़ा काम है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स तो ये है देसी घी के साथ भुनाई हो रही है इसकी, और ये पानी नहीं है फ्रेंड्स, से सारा देसी घी है, क्योंकि इसकी जितनी अच्छी भुनाई होगी हलवा उतना ही अच्छा बनेगा। अब मजीद इसकी खूब अच्छे से भुनाई करूंगी मैं। ऐसे करके आप करिए, इसमें जाली बनती है भूनते वक्त। इधर फ्रेंच फ्राइज बिल्कुल रेडी हैं, ये देखिए, बस मैंने सर्व कर। ये देखिए बेसन भुनते हुए घी देखिए सारा इसमें एब्जॉर्ब हो गया है, और अभी भी इसकी भुनाई चालू है, क्योंकि इसका हमें कलर और सोंधापन लेके आना है, वो लगातार भुनने से ही आएगा। ये गाइस अपने पापा की टी शर्ट पहनकर आ गए हैं। चलो अभी मैं दिखाती, बेटा मेरा हलवा जल जाएगा। देखिए अभी ये कैसा वैसा हो गया था, और अब देखिए भुनने के बाद अब ऊज आउट हो रहा है इसमें से घी। ये देखिए ऐसे भुनना है हमको, ये जाली बनती है। तो ये मैंने अंदाजे से डाल दिए हैं इसमें शुगर, शुगर को थोड़ा सा मिलाएंगे। ड्राई फ्रूट्स में कोई भी ऐड नहीं करूंगी, बिकॉज मेरे बच्चे नहीं खाते हैं, और हम दोनों ऊपर से डाल लेंगे, क्यों डॉक्टर साहब? Sure. अब मैं हलवे में पानी से उसका वो नहीं बनाती हूँ, चाशनी हम इसको दूध से बनाते हैं। इसका टेक्सचर भी अच्छा रहता है, टेक्सचर अच्छा आता है, और ये है मेरी टिप्स, फ्लेवर अच्छा आएगा, चीनी खूब अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगी, रंगत अच्छी आएगी। और ये देखें बेहतरीन। तो ये बन रही है पूड़ियां, और ये कैसे बन रही है ये देखिए। ये फुलाई जा रही है इनको तेल में डाल के, इनकी ऐसी कम तैसी ऐसी कैसी करके इनको लाइट ब्राउन शेड में ला के
भाई मुझको ऐसे ही पसंद है, मुझे व्हाइट व्हाइट नहीं पसंद। तैयार कर दिया भैया। ओ भाई वाह वाह भाई वाह, शाबाश, आ जाओ चले चलो आओ पेट में चलो। कैसे बने फ्रेंच फ्राइज? बहुत बैटरी डाउन हो गई। हमने बनाई है पूरी, हलवा, चने का कॉम्बिनेशन। क्या बेहतरीन, ये बस नाचते ही खाते नहीं है वैसे ये। इन्होंने सीख लिया है कि मैं ऐसे करके दिखाऊं, बस ये ऐसे दिखाते हैं, वह खाते नहीं। बहुत बढ़िया पूरी। तो अब मैं शुरू कर रहा हूँ, बिस्मिल्लाह। हलवा निपटा लिया है, हलवा बेहतरीन बनाया। जबरदस्त, खुशहाल, जाने दो, फील करने दो। पट से नए वाले ग्लास डॉक्टर साहब निकाल कर ले आए, पट से। इन्हीं से डर लगता है मुझको। पापा है क्या है पापा? पापा है बॉडी बिल्डर। बॉडी बिल्डर है इसमें। चले अफ्तारी करते हैं। तो फ्रेंड्स ये है हलवा पूड़ी जो बहुत अच्छा लगता है। आई होप आप लोग इसे खाएं और एंजॉय करें, आपको अच्छा लगे खाइए। बहुत मजेगा। मुझे ये कॉम्बिनेशन नहीं समझ आता, हलवा पूरी एक तरफ मीठा एक तरफ हेल्दी। सब खाते हैं, तुम ही नहीं खाते, सो तुमको समझ में नहीं आता। ने बोला कि पूरी और चने का कॉम्बिनेशन क्या है, नमक और मिर्च, नमक और मीठे का। इन भाई साहब ने क्या किया दिखाना, फ्रेंच फ्राइज। हाँ चाट मसाला, फिर जो हलवा ये से उठाया लगाया। ये देखें अलग ही कॉम्बिनेशन, लड़का ही अलग है मेरा ये। वेरी डेंजरस।